हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एचपी पुलिस में आपको पर ईयर में कितनी छुट्टियां मिलती हैं। दोस्तों इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलती रहे एचपी पुलिस और अनदर टॉपिक के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश पुलिस में एक पर्सनल को छुट्टियां कितनी मिलती हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी छुट्टियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों जो छुट्टियां होती हैं वो होती हैं हमारी 6 प्रकार की। सबसे पहले जो पहला प्रकार है वो होता है कैजुअल लीव, सेकंड टाइप होता है स्पेशल लीव, थर्ड टाइप होता है हमारा अर्न लीव, और फोर्थ टाइप होता है हमारा रिस्ट्रिक्टेड लीव, और फिफ्थ टाइप होता है हमारा स्टेशन लीव, और सिक्स्थ टाइप हमारा होता है मेडिकल लीव। दोस्तों जो हमारी कैजुअल लीव होती है वो आपको जैसे आप हर महीने में एक बार ले सकते हैं, मींस आपको हर एक महीने में जैसे 12 महीने होते हैं साल में, आपको 12 ही कैजुअल लीव दी जाती है। मींस आप हर एक महीने में आपको एक डे ऑफ मिलता है, और आपको यदि आप पूरे साल की जोड़ें तो आपके लिए एक साल में कैजुअल लीव हो जाती हैं पूरी 12, टोटल 12 महीने और 12 ही छुट्टियां कैजुअल लीव जो होगी हमारा फर्स्ट टाइप की छुट्टियां, जैसे आपको होगी कैजुअल लीव 12। नेक्स्ट टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड की बात करें तो होता है आपको स्पेशल लीव। दोस्तों स्पेशल लीव की बात करें तो स्पेशल लीव जो होती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में ही दी जाती है। आपको एक रिवॉर्ड लीव भी बोल सकते हैं आप इसे, आपको रिवॉर्ड के तौर पर ये लीव दी जाती है। ये लीव का प्रावधान किसी भी और डिपार्टमेंट में नहीं है, आपको सिर्फ यदि आप पुलिस पर्सनल हो तो आपको ही ये लीव दी जाएगी। इस लीव का नाम है स्पेशल लीव। स्पेशल लीव मीन्स आपको 15 दिन की जो है आपको स्पेशल लीव दी जाएगी। और नेक्स्ट बात करते हैं अर्न लीव। दोस्तों अर्न लीव जो होती है वो होती है आपकी 30 दिन की। 30 दिन की मान के चलो आप, यदि आप 30 दिन की लीव आप यदि नहीं भी आप लेते तो पूरे साल में 30 दिन, तो आपकी ये जो 30 दिन की अर्न लीव है वो आप अगले साल में ही आप काट सकते हो। अर्न लीव जो हमारी करेक्टर रोल में है वो जुड़ती रहती है। अर्न लीव ज़रूरी नहीं कि आप इसी साल आप काटो या ख़त्म करो, अर्न लीव हमारी अगले साल में भी जुड़ जाती है। इसे यदि आपकी अर्न लीव जो है आपकी रिटायरमेंट के वक्त यदि आपकी ये लीव टोटल 300 हो जाती हैं तो आपको पूरे साल में, जैसे आप 58 साल तक नौकरी करोगे तो आप जितनी आपकी उतनी सैलरी होगी, जैसे मान के चलो कि आप सैलरी आपकी पर मंथ की, तब 58 साल नौकरी करने के बाद जब आप रिटायरमेंट के वक्त हो तब आपकी सैलरी होगी जैसे 1,00,000, तो आपको पूरे 300 दिन का वेतन दिया जाएगा। यदि आपने अपनी कैजुअल लीव 30 जो मिलती हैं पर महीने में, यदि आप रिटायरमेंट के वक्त 300 छुट्टियां जोड़ते हो तो आपको उस मंथ या उस 58 ईयर में आपकी जो भी सैलरी होगी उसके अनुसार आपको उन अर्न लीव का 300 का पूरा वेतन जो है वो दिया जाएगा। ये होता है हमारी अर्न लीव जोड़ने का बेनिफिट सबसे बड़ा, कि आपको इसका रिवॉर्ड मिला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ टाइप। दोस्तों जो फोर्थ टाइप है वो है हमारा रिस्ट्रिक्टेड लीव। दोस्तों रिस्ट्रिक्टेड लीव होती है जैसे कोई भी त्यौहार जो है वो जैसे ज़्यादा बड़ा नहीं होता, जो हमारे कैलेंडर में जो येलो या कुछ भी ऐसा फीका सा निशान होता है वो होते हैं हमारी रिस्ट्रिक्टेड लीव। रिस्ट्रिक्टेड लीव आपको मिलती हैं 5। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप जो है हमारा फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप जो है वो है
स्टेशन लीव। दोस्तों स्टेशन लीव होती है हमारी, जैसे आप संडे को बोल सकते हैं कि स्टेशन लीव, संडे में आप जितने भी संडे होते हैं आप सिर्फ़ और सिर्फ 5 संडे कोई भी आप, जैसे आपने मान लीजिए कि एक वीक में छुट्टी लेनी है कि आपने मंडे को घर जाना है तो अगले बुधवार या वीरवार आना है, तो आप बीच में एक आया संडे, वो आपको लेनी होगी एक स्टेशन लीव। मींस संडे वाली लीव को स्टेशन लीव भी कहा जा सकता है। आपको अपनी कैजुअल लीव या अर्न लीव के साथ साथ ही स्टेशन लीव लेनी पड़ती है। यदि आप स्टेशन लीव अकेली लेना चाहे तो आप नहीं ले पाते या नहीं ले सकते। ये हो गया हमारा स्टेशन लीव लेने का प्रोसीजर, जहाँ हमारा स्टेशन लीव के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 6 टाइप के। दोस्तों 6 टाइप है हमारा मेडिकल लीव। दोस्तों मेडिकल लीव जो है वो आपको मिलती है पर एयर जो है वो आपको मिलती है 15 दिन की। 15 दिन की मेडिकल लीव मींस आपको जो है, यदि आपको कोई ना कोई जैसे बीमारी होती है, भगवान ना करे जो हो, यदि किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी होती है, तो आप पूरे साल में आप 15 दिन ले सकते हो। 15 दिन इन द सेंस कि आप ज़्यादा भी ले सकते हो, बट 15 दिन मिनिमम जो है आपको दी जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से। ये होगी आपकी मेडिकल लीव। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारे टोटल जो एक साल में टोटल लीव्स कितनी हुई। दोस्तों हमारे टोटल जो लीव है हमारा फर्स्ट टाइप के लिए होती कैजुअल लीव जो होगी 12, नेक्स्ट स्पेशल लीव 15, अर्न लीव 30, रिस्ट्रिक्टेड लीव 5, स्टेशन लीव 15। दोस्तों जो हमारी टोटल लीव्स होगी पर ईयर की वो होगी हमारी 70 से 80 जो छुट्टियां हैं आपको, हॉलीडेज़ हैं, वो आपको पुलिस डिपार्टमेंट में एक साल में आपको मिल जाती हैं। मीन्स कुल मिलाकर आपको पुलिस में, यदि आप पुलिस का ड्रीम देख रहे हो, तो आप एक कॉन्स्टेबल के तौर पर आप ऑफिशियली जो हैं 70 से 80 छुट्टियां जो हैं वो काट सकते हैं पूरे साल की, यदि आप अर्न लीव को गिने इंक्लूड करें तो। ये होगी हमारी छुट्टियों का थोड़ा सा डिस्कशन। अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जो हमारा प्रेजेंट के हाई कोर्ट के जज हैं हिमाचल प्रदेश के, उनका नाम क्या है। इस क्वेश्चन का आप आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप एक लाइक कर देना, बिकॉज आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि तैयारी कर रहे बच्चों के पास ये वीडियो रीच हो सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास ये वीडियो रीच कर सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।